हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज हम लेकर आए हैं क्वांट का एक और सेशन जो कि हमारा बेस है टॉपिक बेस्ड डीआई पे, और आज का टॉपिक हमने रखा है प्रोबेबिलिटी। तो मैं चाहूंगा आप यहाँ पे एक बारी वीडियो को खुद पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है? फिर वीडियो को देखिएगा, उससे क्या होगा, एक आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, कि कंसेप्ट बिल्डिंग होगी कि नए क्वेश्चन आए तो उनको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, उनको सॉल्व कैसे करना है। तो मैं चाहूंगा एक बार आप खुद ही इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये क्वेश्चन है ना, ये मैंने जहां से लिया है वहां पर लिखा गया था कि ये SBI PO मेंस में आ रखा है। अब मेरे को नहीं पता इस बात में सच्चाई कितनी है, पर क्वेश्चन काफी अच्छा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, जब भी आपको ऐसे नए पैटर्न के क्वेश्चन आए, पेपर में जो भी क्वेश्चन आए उसकी आपने एक एक चीज पढ़नी है। यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में आपको काफी अच्छी चीज दी गई है, क्या? गिवन इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड एंड इन सीक्वेंस। ये काफी चीज है काम की, इन सीक्वेंस। मतलब ये जो आपको चार पॉइंट्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, 1 2 3 4, ये आपस में रिलेटेड तो है नो डाउट, पर सीक्वेंस में भी है। मतलब पहले फर्स्ट हुआ होगा, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। मतलब आप फर्स्ट से डायरेक्ट फोर्थ पे नहीं आ सकते, आपको फर्स्ट के बाद सेकंड पे जाना पड़ेगा, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि इन सीक्वेंस, मतलब कि फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड और थर्ड के बाद फोर्थ, सीक्वेंस में आपको नीचे आना है, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखो, आपको बोला क्या गया है, बैग एक्स, देर आर टोटल 30 बॉल्स ऑफ टू टाइप्स, रेड एंड ग्रीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ रेड बॉल एंड अ ग्रीन बॉल आउट ऑफ टोटल इज 40/87। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग ए इज, ठीक है? तो देखो, आपको बोला क्या गया है कि आपके पास एक बैग है एक्स, ठीक है, बैग एक्स, उसमें टोटल दो टाइप्स की बॉल है, कौन कौन सी, रेड एंड ग्रीन, ठीक है? और टोटल बॉल्स है कितनी, मतलब रेड प्लस ग्रीन टोटल है कितनी, 30। तो मैं एज्यूम करता हूं कि रेड बॉल्स जो है वो आर है और ग्रीन बॉल्स जो है वो जी है, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, आर, और टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितनी है, जी, ठीक है? फिर क्या कह रहा है वो आपको, हमने बैग एक्स में से ना दो बॉल्स निकाली, एक निकली लाल एक निकली हरी, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है कितनी, 40/87। तो देखो मेरे को करना क्या है, रेड बॉल्स टोटल कितनी है, आर, निकालनी कितनी बॉल है, एक, तो आर सी वन, ठीक है, इंटू ग्रीन बॉल्स कितनी है, जी, निकालनी कितनी है, एक, तो जी सी वन, अपॉन टोटल बैग्स में बॉल कितनी है, 30, ठीक है, निकालनी कितनी है, दो, क्योंकि देखो एक ग्रीन निकाल रहे हैं हम, एक रेड निकाल रहे हैं, तो टोटल कितनी बॉल्स निकाल रहे हैं, टू, तो 30C2, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 40/87। तो इसको सॉल्व करते हैं, आर सी वन कितना हो जाएगा, आर, जी सी वन कितना हो जाएगा, जी, ठीक है, अपॉन 30 × 29। अब देखो डिवाइड में टू था, वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इक्वल्स टू 40/87। अब यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, 29 वन जा ये 3 से गया, 3 वन जा ये 10 से गया, और 2 वन जा ये 20 से गया। तो यहां से आर इंटू जी की वैल्यू कितनी आ गई, R इंटू जी की वैल्यू, ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो 200। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं R इंटू जी जो है वो 200 के बराबर है। अब देखिए, आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आंसर आ जाएगा, ठीक है? पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे फास्ट, अगर सॉल्व करना हो तो। देखो, मेरे को दो फैक्टर्स चाहिए ऐसे जिनका प्रोडक्ट करूं तो 30 आए, मल्टीप्लाई करूं तो 200 आए। देखो, तो यहाँ पे सामने सामने दिख रहा है कि वो दो फैक्टर कौन से होंगे, पर अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन का यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो ऑप्शन में क्या दिया है, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू दी है ना ऑप्शंस में, और ए है क्या चीज, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है, इन बैग, वो है ए। तो देखो, अगर मैं रेड बॉल्स लेता हूँ 10, तो ग्रीन बॉल्स कितनी हो जाएगी, 30 में से 10 गया 20, और इन दोनों को अगर मैं इंटू करता हूँ तो 200 बनता है, बिल्कुल बनता है, तो ये एक आपका आंसर हो सकता है। फिर नेक्स्ट है 15, अगर रेड बॉल 15 है तो ग्रीन कितनी होंगी, 15, और 15 × 15 करो तो 200 होता है, नहीं होता। वैसे अगर एक 12 है तो दूसरी 18 होगी, और 12 18 200 नहीं होता, ये भी नहीं होता। पर अगर रेड बॉल अगर मैं 20 लेता हूँ तो ग्रीन कितनी होगी, 10, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो देखो, यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन होगी, क्या, कि या तो आपकी रेड बॉल्स जो होंगी ना वो होंगी 20, और ग्रीन बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 10, ठीक है, एक कंडीशन ये बन गई आपकी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी आपकी, कि रेड बॉल्स होंगी 10 और ग्रीन बॉल्स होंगी 20, ठीक है? तो आपके पास दो कंडीशन बन गई। अब दोनों में से सही कौन सा है उसका पता कैसे चलेगा, उसका पता चलेगा यहाँ पे ऑप्शंस दिए ना, देखो ये पॉइंट टू, उसको पढ़ते हैं हम। तो पॉइंट टू क्या कह रहा है, बी नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स आर टेकन एंड आफ्टर पेंटिंग इट रेड प्लेस्ड बैक इन टू द बैग एक्स। मतलब कि हमने बैग एक्स में से कुछ ग्रीन बॉल्स निकाली, उनपे पेंट किया लाल कलर का और वापस बैग में डाल दी, ठीक है? तो यहां से बात समझने वाली ये है कि इससे हुआ क्या, जो बैग्स में नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स थी ना, ग्रीन बॉल्स थी जो बैग में, उनकी वैल्यू कितनी होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि
क्योंकि जितनी भी थी उनमें से कुछ बॉल्स निकाली हमने, कुछ निकाली तो ग्रीन की वैल्यू कम हो गई, और क्या किया उनको लाल पेंट किया और वापस बैग में डाल दिया, तो उससे क्या हुआ रेड बॉल की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। अब देखो मैं दोनों कंडीशन को लेकर चलता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ग्रीन बॉल्स कितनी थी, ग्रीन बॉल्स थी 10, ठीक है, जिसमें से हमने क्या किया बी बॉल निकाल दी, तो बची कितनी 10 माइनस बी। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ ए के बराबर। क्लियर है बात, बैग में थी 10 बॉल जिसमें से हमने बी निकाल दी, तो बची कितनी 10 माइनस बी, तो उसको हमने क्या ले लिया ए के बराबर। और यहां पे बात करूं तो ग्रीन बॉल्स थी 20 जिसमें से बी निकाल दी, तो बची कितनी 20 माइनस बी, इसको ले लेता हूं मैं सी के बराबर। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग टू ग्रीन बॉल्स फ्रॉम बैग एक्स इज 7/29। देखो यहां पे हमने क्या किया, ग्रीन बॉल्स निकाली उन पे लाल पेंट किया और वापस बैग में डाल दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्यों, क्योंकि यहां पे दिया गया है इन सीक्वेंस, तो उसके बाद हमने क्या किया बैग में से दो बॉल्स निकाली और दोनों की दोनों ग्रीन आई, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 7/29। तो देखो ग्रीन बची कितनी है अब ए, इस कंडीशन की बात करूं ए, तो ए में से मेरे को कितनी निकालनी है दो, AC2 अपॉन टोटल कितनी है बैग में, बैग में तो उतनी की उतनी बॉल्स रही क्योंकि जो हमने ग्रीन बॉल्स निकाली उसको पेंट करके वापस बैग में तो डाला, तो टोटल बॉल 30 की 30 रही, तो 30 C2 इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको 7/29। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व ना करो तब भी बात बराबर है, क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या कंडीशन बनेगी, देखो ग्रीन बॉल्स कितनी बची सी, कॉम्बिनेशन दो बॉल्स निकालनी है अपॉन 30 C2, तो दोनों से ना इक्वेशन एक ही बनेगी, आंसर एक ही आएगा सेम, वो कैसे देखो। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं AC2 क्या होगा, A(a-1), ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 था उसको लिखेंगे नहीं क्योंकि इसके नीचे भी डिवाइडेड बाई 2 होगा वो कैंसिल हो जाएगा। 30 C2 क्या हो जाएगा 30 × 29 इक्वल्स टू 7/29, और इसको सॉल्व करोगे तो ये भी ऐसे ही आएगा सी सी माइनस वन अपॉन 30 × 29 इक्वल टू 7/29। तो देखो दोनों इक्वेशन सेम ही बनेंगे, तो किसी एक को सॉल्व कर लो वो दोनों का आंसर होगा। ठीक है, तो यहां से 29 को 29 गया, ये कितना हो गया 7 × 3 = 21। ठीक है, ये आ गया आपका a² - a, और ये जाएगा 210, 210 इस तरफ आएगा तो माइनस का 210। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इक्वल्स टू जीरो। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो आपने प्री में बहुत प्रैक्टिस की होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये वो बन गया। क्या मतलब, अगर दोनों साइन आपके नेगेटिव है तो आपके रूट्स क्या होंगे, एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, ग्रेटर वैल्यू वाला, ठीक है, और नेगेटिव कौन सा होगा, स्मॉलर वैल्यू वाला, सिंपल सी बात है। तो मेरे को अब इसके दो फैक्टर बनाने हैं, तो कैसे बनाऊंगा, देखो ये 7 × 3 = 21 और 10 क्या होता है 2 × 5। अब देखो पेयर बना लो, ये सामने बन गया, देखो 7 × 2 = 14, 5 × 3 = 15, मतलब आपका आंसर क्या आया, ए की वैल्यू आ गई 15 और 14, और पॉजिटिव कौन सी होगी, बड़ी वाली यानी कि +15, नेगेटिव कौन सी होगी, छोटी वाली यानी कि -14। अब देखो बॉल्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये आंसर कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आया ए बराबर 15, और यहां से क्या आ जाएगा सी बराबर 15, दोनों में से कुछ भी रख लो आप। ठीक है, अब देखो जो ए लिया था हमने, लिया क्या था, जो बॉल्स बच गई, ठीक है, और यहाँ पे सी क्या लिया था, जो बॉल्स बच गई। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट की बात है, मेरा बची हुई बॉल्स कितनी आई 15, अगर मैं मान रहा हूं कि मेरे पास शुरुआत में 10 बॉल्स थी जिसमें से मैंने कुछ निकाल दी, तो जो बचेगी वैल्यू वो 10 से कम होनी चाहिए ना, 15 तो हो ही नहीं सकती, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी आपकी खुद ही कैंसिल हो गया है। ठीक है, ये वाला जो हमने एज्यूम किया था ये तो खुद ही कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रीन बॉल्स थी कितनी 10, उसमें से भी हमने कुछ निकाली उनको पेंट किया, तो जो बाकी बच गई वो 10 से कम होनी चाहिए ना, तो 15 तो कभी होएंगी नहीं, तो ये वाला तो केस कैंसिल हो गया अपने आप में। अब जाते इस केस में, इसमें ग्रीन बॉल्स कितनी थी 20, फिर हमने कुछ निकाली बच गई 15, तो ये वाला केस ठीक है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, ये इधर से क्या आया आपका कि रेड बॉल्स कितनी होंगी 10, ग्रीन बॉल्स कितनी होंगी 20। ठीक है, अब बी की वैल्यू भी आ जाएगी, बी की वैल्यू कैसे आएगी, देखो ग्रीन बॉल्स थी कितनी 20 और हमने अब बची कितनी हमारे पास 15, तो हमने निकाली कितनी 5। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया आपका। तो यहां से आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए क्या था नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स कितनी आई हमारी 10, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बी माइनस 3 ग्रीन बॉल्स फ्रॉम बैग एक्स कंसिडरिंग द इनिशियल नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन बॉल्स। इनिशियल नंबर, ठीक है, इनिशियल नंबर, ठीक है, तो इनिशियल नंबर क्या है, रेड कितनी है हमारी अभी निकाली हमने 10 और ग्रीन कितनी है 20, बी की वैल्यू कितनी है 5 अभी निकाली, और हमें चाहिए क्या बी माइनस 3, मतलब 5 - 3 = 2। तो मतलब क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपको कि हमने बैग में से निकाली दो बॉल्स और वो दोनों की दोनों निकली ग्रीन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कुछ भी नहीं है, ग्रीन बॉल्स कितनी है 20, निकालना कितनी है 2, तो 20 C2,
बैग में टोटल बॉल्स कितनी है 30, निकालनी कितनी है दो, तो 30C2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, 20 × 19 अपॉन 30 × 29, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको क्या करना, कुछ भी नहीं हो रहा, अब तो सिंपल 38/87, ऑप्शन नंबर आपका डी, ये रहा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब कह रहे हैं आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो देखो सी का जिक्र कहाँ हो रहा है, 0.4 में। अब यहाँ पे बात याद रखना, 0.4 में कब आएंगे, जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट कर चुके होंगे। तो जब हमने पॉइंट थर्ड कंप्लीट किया तब रेड बॉल्स कितनी बन गई, 15, और ग्रीन बॉल्स 15। ये बात काम की है, देखो कैसे स्टार्टिंग में थी, रेड बॉल 10, ग्रीन बॉल 20। ठीक है, फिर हमने पॉइंट टू में क्या किया, कुछ बॉल्स निकाली और रेड को दे दी, ग्रीन में से कुछ बॉल्स निकाली ना, उसको पेंट किया और रेड में कन्वर्ट कर दिया। वो कितनी की, उसकी वैल्यू अभी हमने निकाली बी की 5, तो मतलब यहां से 5 माइनस कर दिया और यहाँ पे 5 प्लस कर दिया, तो अब टोटल रेड बॉल्स कितनी होगी, 15, और ग्रीन बॉल्स कितनी होगी, 15, क्योंकि हम पॉइंट फोर में तभी जाएंगे जब हम ऊपर वाले कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि क्या बोला है, इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैग वाई, ऑल बॉल्स फ्रॉम बैग एक्स आर टेकन एंड प्लेस इन टू बैग वाई। ठीक है, तो हमारे पास एक आ गया बैग वाई। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, जो भी एक्स में बॉल्स थी वो सारी की सारी इसमें डाल दी, तो एक्स में बॉल्स कितनी थी, 30। ठीक है, जिसमें से रेड कितनी हो गई, 15, और ग्रीन कितनी हो गई, 15। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इफ सी नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स आर विड्रॉन फ्रॉम बैग। ठीक है, बैग में से सी नंबर की ग्रीन बॉल्स निकाल दी, फिर से कुछ ग्रीन बॉल्स निकाली, कितनी, सी, तो ग्रीन बची कितनी, 15 − C। ठीक है, ये बात क्लियर है। और फिर क्या कह रहा है, सी माइनस 5 नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर एडिड, और रेड बॉल में ऐड किया है कितना, 15 + C − 5, तो टोटल कितनी हो गई है, 10 + C। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, हमने बैग में से दो बॉल्स निकाली, दोनों के दोनों रेड निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5। ठीक है, अब देखो बैग वाई में टोटल बॉल्स कितनी रह गई, बैग वाई में टोटल बॉल्स कितनी है, 30 थी पहले, जिसमें से हमने क्या, सी निकाल दी, फिर क्या किया, सी माइनस 5 ऐड कर दिया, तो टोटल बॉल्स कितनी रह गई, ये रहेगी आपकी 25 बॉल्स। ठीक है, ये काम की बात है। अब हमें चाहिए क्या, रेड, देखो रेड हमारे पास बच कितनी गई, अब रेड बन गई 10 + C के बराबर, इसको ले लेते हैं हम एक्स के बराबर। देखो 10 + C से भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, पर एक्स से इसलिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी होगी, एक्स के बराबर। ठीक है, अब हमारे पास रेड बॉल्स हैं एक्स, निकालनी कितनी है दो, तो XC2 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है, 25, निकालनी कितनी है दो। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 2/5 के बराबर। अब सॉल्व कर लो, XC2 क्या होगा, X × X − 1 अपॉन 25 × 24 इक्वल्स टू 2/5, 5 से 5 टाइम्स, 24 × 5 = 120, ये हो गया 240। तो ये क्या आ गया, आपकी इक्वेशन बन गई फिर से, X² − X − 240 इक्वल्स टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दो साइन नेगेटिव के मतलब एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव छोटी वाली वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो 240 को आपने करना है, तो ये क्या होता है, 4 × 3 = 12 और 24 × 5। ठीक है, अब बना लो पेयर, तो ये देखो सीधा ही बन गया, 4 × 4 = 16, 5 × 3 = 15, तो आपका आंसर क्या आया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 16 और 15। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 16, तो ये होगा प्लस, छोटी वैल्यू 15 तो ये होगी नेगेटिव में, तो बॉल्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया आपका, 16। अब देखो एक्स लिया क्या था हमने, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स आफ्टर वो एडिशन। ठीक है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स थी कितनी हमारी, 10 + C, और इसको लिया था एक्स के बराबर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी, 16, तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, क्लियर है बात, तो यहां से आ गया आपको सी की वैल्यू 6, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पे एक्स क्यों लिया, अगर मैं एक्स नहीं लेता ना तो ये पता क्या बनता, ये बनता आपका 10 + C। ठीक है, और इसकी कॉम्बिनेशन 2, तो इसको सॉल्व करना आपको मुश्किल लग सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया, एक्स लेके सॉल्व किया। अगर इसको सॉल्व करना है ना आपने, तो ये क्या हो जाएगा, 10 + C, फिर एक माइनस करेंगे तो 9 + C अपॉन 25 × 24 इक्वल्स टू 2/5। अब ये देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग सकता है आपको, इसलिए मैंने इस पे ध्यान ना दिया, इसको एक्स ले लिया, और एक्स से देखो एकदम आसानी से इक्वेशन बन गई और आंसर आ गया आपका। ठीक है,
तो ये ऐसे जब भी आपको नए टाइप के क्वेश्चन मिले ना, तो वो इतने टफ नहीं होते अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे। अगर आप देखना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो आपका 60 से 70% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है, अगर आप उसको समझ के पढ़ रहे हो। ये नहीं कि रीडिंग के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको समझना पड़ रहेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, एक एक डाटा अपने माइंड में प्रोसेस करना पड़ेगा कि इसका क्या यूज है, फिर आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो मैंने जितने भी मेंस निकाले ना, मैंने दो सब्जेक्ट के दम पे ही निकाले हैं, एक क्वांट और एक रीजनिंग, क्योंकि मेरी इंग्लिश और जीके बहुत खराब थी। ठीक है, इंग्लिश में वो ग्रामर समझ नहीं आती थी और जीके से मेरे से रट्टा मारा नहीं जाता था, ठीक है, वो वैल्यूज याद नहीं होती थी, किसने किसके साथ डील की वो सब मेरे से याद नहीं होता था, तो मैंने अपने दो सब्जेक्ट पे फोकस किया। तो वैसे ही आपको मेंस निकालने के लिए किसी दो सब्जेक्ट पे फोकस करो, आपका आराम से पेपर निकल जाएगा, ठीक है, पर वो दो सब्जेक्ट काफी अच्छे होने चाहिए, और जिसका मैथ्स थोड़ा भी अच्छा है ना, वो उसमें अच्छा स्कोर कर सकता है। बस बेसिक्स पे ध्यान दीजिए और कंसेप्ट की क्लैरिटी रखिए, ठीक है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के पीछे इतना मत भागिए, कंसेप्ट के पीछे भागिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप नए क्वेश्चन जैसे मर्जी फ्रेम होकर आए, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।